तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गाइडलाइन वीडियो में। और आज का वीडियो खास होने वाला है माइनक्राफ्ट की गाइडलाइन के ऊपर। तो गाइस, आप लोगों का हमेशा एक सवाल रहता है कि माइनक्राफ्ट को हम लोग मल्टीप्लेयर कैसे खेले। तो आज का वीडियो खास मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग सीख जाओ कि मल्टीप्लेयर हम लोग कैसे खेल सकते हैं माइनक्राफ्ट में। तो आप यहां पे अपने दोस्तों को बुला सकते हो अपने साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो देखो, पहले मैं एक पॉइंट पे बात कर लूं कि माइनक्राफ्ट में हम लोग दो तरह से मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। पहला SMP बना के, ठीक है, और दूसरा वर्ल्ड क्रिएट करके। तो अभी मैं आपको आज की वीडियो में वर्ल्ड में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि SMP का ज़्यादातर लोगों को पता ही है। तो इसलिए वर्ल्ड का सीख लो आज के वीडियो में। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार गाइस, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो अब आप लोगों को मैं बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा आज की इस वीडियो में। बाकी मैं कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा मल्टीप्लेयर से जुड़े हुए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ पूरा देख लेना वीडियो। तो देखो, अभी ये सब कुछ समझाने के लिए मैं एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आपका भी एक वर्ल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है मैंने, नॉर्मल तरीके से किया है जैसा आप लोग करते हो। बाकी मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। वीडियो में कहीं पर कट नहीं लगाया है ताकि आप लोग आराम से समझ जाओ। तो देखो गाइस, अपना वर्ल्ड क्रिएट हो चुका था, मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ। ये एक सर्वाइवल वर्ल्ड है और पॉकेट एडिशन में अभी खेल रहा हूँ, ओके। तो गाइस, मल्टीप्लेयर खेलने के लिए जो जो पॉइंट होंगे ना, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इन्वाइट टू गेम आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐड फ्रेंड पे क्लिक करना है गाइस। इतने लोगों की जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पहले से फ्रेंड बने हुए हैं। तो अब मैं एक नए दोस्त को बुलाने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है गेमर टैग। तो आपको अपने दोस्त का गेमर टैग ले लेना है, मतलब कि उसका क्या नाम है माइनक्राफ्ट में, वो उससे पूछ लेना है, ओके। बाकी गेमर टैग कहाँ पे मिलता है माइनक्राफ्ट की सेटिंग में, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। मतलब मान लो अगर आपके दोस्त को पता ही नहीं हो तो मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, पूरा देखना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने दोस्त का जो नाम है वो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, उसने मुझे दे दिया है व्हाट्सएप पर। तो अभी उसका पूरा नाम मैं डाल देता हूँ, आपको भी कुछ इस तरह से नाम डाल देना है। अब जैसे ही नाम डाला तो नीचे की साइड में आप लोग देखोगे कि आपके दोस्त की आईडी यहाँ पे आ चुकी है, तो आपको उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब उसके पास में पहुंचेगा ये, तो वो हमें फ्रेंड बना लेगा। इस तरह से बनते हैं गाइस फ्रेंड माइनक्राफ्ट में, ओके। अब गाइस, गेमर टैग कैसे मिले, जैसे कि आपको भी पता ना हो या आपके दोस्त को भी पता ना हो, तो उसके लिए आपको सेटिंग ओपन करनी है माइनक्राफ्ट की। यहाँ पे अकाउंट में आपको आना है। अकाउंट में आने के बाद में आप लोग देखोगे मैक्समोर गेमिंग गेमर टैग है मेरा, और यहाँ पे आइकॉन भी लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें गेमर टैग दिख जाता है, बस इसी नाम को हमें सर्च करना रहेगा। तो चलो, अब मैं आपको आगे का बता देता हूँ। यहाँ पे जो इन्वाइट टू गेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और अपने दोस्त को टिक लगा के इन्वाइट कर देना है वर्ल्ड में, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। अब इतना सा काम करने के बाद में देखना, मेरा जो दोस्त है वो यहाँ पे आ पाएगा, ओके। बाकी एक मैं पॉइंट और बता देता हूँ, इस टाइम पे जो ये प्रोसेस हम लोग करते हैं, तो अपना नेट ऑन होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर आप वाईफाई पे खेल रहे हैं तो वाईफाई ऑन होना चाहिए, ठीक है, बिना इंटरनेट के ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये अपना दोस्त आ चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो सबूत है भाई पूरी तरह से, अपना दोस्त आ चुका है वर्ल्ड में। और आप लोग अपने वर्ल्ड में भी अपने दोस्त को ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट और बताऊंगा, जैसे कि अभी मेरा दोस्त ऑन है और मैं भी ऑन हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऑफलाइन जाऊंगा ना, तो मेरा दोस्त खुद अपने आप ही ऑफलाइन हो जाएगा, मतलब सर्वर से ये खुद ही बाहर निकल जाएगा, ये एक बात होगी। अब देखो गाइस, इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई मेरा दोस्त खेलता रहे मैं ऑफलाइन हो जाऊँ तो भी, ठीक है। मतलब आप ऑफ होंगे तो आपके दोस्त को भी ऑफलाइन खुद ही ये कर देगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट का सिस्टम ही ऐसा ही है। हाँ, माइनक्राफ्ट के सर्वर की एक अलग बात रहती है, वहाँ पे कोई भी ऑफ हो कोई भी ऑन हो सर्वर चलता रहता है, उसमें कोई भी ऑन जा सकता है, ओके। तो ये बात मैंने बता दी है। अब नेटवर्क से जुड़ी हुई भी एक बात आपको देखनी चाहिए, ठीक है, ये सेटिंग भी आपको करनी चाहिए। तो वो सेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें गेम को सेव करना है, मतलब जो आपका वर्ल्ड है उसे सेव कर लेना एक बार। सेव करने के बाद में अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा
एक सेटिंग और करनी है, ठीक है, नहीं तो आपका दोस्त है ना वो आपके वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड को सेव क्यों किया, क्योंकि गाइस ये सेटिंग है ना मतलब वर्ल्ड से बाहर आने के बाद में ही हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग भी बाहर आ जाना। अब यहाँ पे देखो सेटिंग ओपन कर ली है, जर्नल में आ गया हूँ मैं, जर्नल में आके यहाँ पे देखो नेटवर्क सेटिंग, तो नेटवर्क सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना यही मेन होता है, तो इसको आपको ऑन कर देना है अगर आपके बंद है तो, वैसे ये ऑन ही होगा शायद आपके भी, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने इसको ऑन विथ वाईफाई ओनली, ठीक है, इस पर सेट कर रखा है, बट इस टाइम पे मेरे मोबाइल में मोबाइल इंटरनेट ऑन है तो भी मैं मतलब वर्ल्ड में खेल पा रहा हूँ और मेरा दोस्त आ भी गया है वर्ल्ड में, ठीक है। तो बस सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ऊपर वाले ऑप्शन पे ही देना है, मेन कहानी ये है। अब आपको एक सेटिंग और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका दोस्त आया आपके वर्ल्ड में, अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर ही भड़क जाते हैं और तोड़ा फोड़ी करने लग जाते हैं, तो उनको रोकने के क्या तरीके हैं वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तरीके भी आपके काम आएंगे, एक तरह से गाइड ले लो यार, क्योंकि बाद में फिर उसके बाद दिक्कत आएगी, कुछ दोस्त अपने खुद के भी बस में नहीं आते। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे ही मैंने वर्ल्ड लगाया मतलब मैं वर्ल्ड में आया, तो मेरा दोस्त भी वापस यहाँ पे आ गया है, ठीक है, नहीं तो ये भी इतनी देर डिस्कनेक्ट था, ओके। अब देखो यहाँ पे आपका दोस्त अगर तोड़ा फोड़ी या कुछ भी करता है, तो यहाँ से आप लोग उसके कुछ मतलब परमिशन हटा सकते हैं और उसको कुछ एक्स्ट्रा परमिशन दे भी सकते हैं, वो सारा मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, यहाँ से आप लोग अपने दोस्त को ऑपरेटर बना सकते हैं, सीधा डायरेक्ट गेम में से ही बन जाएगा। तो गाइस जैसे मैं ऑपरेटर हूँ अपने वर्ल्ड का, तो अब ये भी ऑपरेटर बन चुका है, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर सिर्फ उसी को दिया जाता है जो अपना सबसे ज़्यादा खास रहता है, मतलब जिस दोस्त पे हमें पूरी तरह से भरोसा रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी और आपके समझ में भी आ गई। अब सोचो कि कोई दोस्त आपने बुलाया और वो आपके बनाए हुए फार्म या फिर आपका घर तोड़ने लग गया किसी भी तरह से, मतलब गुस्सा खा के या कैसे भी, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, सोचो आपका दोस्त आपको ही डैमेज दे रहा है, उसके लिए क्या किया जाए, तो वो सारी सेटिंग भी यहीं पर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने दोस्त को अगर विजिटर बनाना चाहते हो तो विजिटर भी बना सकते हो, बाकी ऑपरेटर वापस बना सकते हो, ये सेटिंग तो होती ही है, बाकी इसके नीचे भी कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उनकी भी जानकारी कि उनसे क्या क्या होने वाला है। चलो तो एक बार फिर से ये ऑप्शन ऑन करता हूँ मैं अपने फ्रेंड के, और ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बिल्ड का ऑप्शन बंद कर देंगे तो वो कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाएगा, ओके। बाकी अगर माइन का ऑप्शन बंद करेंगे तो वो माइन नहीं कर पाएगा, अटैक प्लेयर का ऑप्शन अगर आप लोग बंद कर देंगे तो वो आपको डैमेज नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब हर तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। ऑपरेटर कमांड अगर वो यूज कर रहा है, जैसे कि समझ लो वो क्रिएटिव लगा के खेल रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं कि नहीं सर्वाइवल में ही खेलो, तो आप लोग ये ऑप्शन बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे परमिशन देते हैं अपने दोस्त को, ठीक है, बाकी ऑपरेटर भी बना सकते हैं। तो इतनी सारी ये जो जानकारी थी गाइस, ये सारी की सारी जानकारी मैंने दे दी है, ये मल्टीप्लेयर से जुड़ी हुई थी। अब देखो ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया है, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, और अभी जो मेरा दोस्त आया था तो उसके भी इस टाइम पे मोबाइल या कंप्यूटर में नेट ऑन था और मेरे भी नेट ऑन है, ठीक है, तो तब वो आ पाया है मेरे वर्ल्ड में। अगर एक के भी नेट बंद रहेगा इंटरनेट मतलब, तो आना मुश्किल है, फिर नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है। तो ये ज़रूर बात याद रखना, दोनों तरफ का इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, फिर उसके बाद आप सर्वाइवल वर्ल्ड में खेलो या फिर आप क्रिएटिव लगा के खेलो, वो आपकी मर्जी है, आपका दोस्त भी आपके साथ खेलता रहेगा। अब गाइस यहाँ पे मल्टीप्लेयर सेटिंग में आप लोग देखोगे कि फ्रेंड ओनली, इनवाइट ओनली और फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हुआ, पहला है कि आप जिसको इनवाइट करेंगे वो आ पाएगा, ठीक है, अगर उस पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो आप जब जब अपने दोस्त को इनवाइट करोगे वो तब ही आ पाएगा, और अगर आपने फ्रेंड ओनली कर दिया तो जब आप आए तो आपका फ्रेंड भी तुरंत अगर आना चाहेगा तो आ जाएगा, और अगर फ्रेंड टू फ्रेंड कर लेंगे तो आपका दोस्त वो खुद के दोस्त को भी ला पाएगा, ये होता है इन ऑप्शन से, ठीक है। तो ये जानकारी भी मैंने आप लोगों को दे दी है, इन तीन ऑप्शन से ये होता है। जैसे कि अभी मेरा दोस्त है तो अभी मैं फ्रेंड टू फ्रेंड पे कर दूंगा ना, तो वो अपने किसी दोस्त को भी ला सकता है यहाँ पे, ओके, ये हो जाएगा।
अब मैंने अभी ऑप्शन सेट कर रखा है फ्रेंड ओनली, तो यहाँ पे होगा क्या गाइस कि मैंने एक बार तो अपने फ्रेंड को जब मैंने फ्रेंड बनाया था उसको इनवाइट किया था, अब दोबारा उसको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कभी भी, ठीक है, इस वर्ल्ड में, मतलब मैं उसको कभी भी यहाँ पे मतलब बुला सकता हूँ, उसके लिए इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं ऑन हूँ और मैं उसको बोलूँगा कि वर्ल्ड में आओ तो वो आसानी से आ सकता है, उसको इनवाइट मैं नहीं करूँगा तो भी, ठीक है, ये होता है इस ऑप्शन से। तो आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मैक्समोर गेमिंग, तो हमारा पेज आपको दिख जाएगा, तो बस फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हमारे वीडियो देखो यार, सपोर्ट करो। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।